अब आप लोग हंसेंगे कि खाना खाने से भी क्या योग होता है। भाइयों, हमारी जो दिनचर्या है, जो भी हम सारा दिन कार्य करते हैं, सोने के बाद भी हमारा जो है मन योग साधना में लगा रहता है। जब हम खाना खाएं तो इस भांति खाना खाएं कि उससे भरपूर विटामिन तो मिले ही मिले और साथ में स्वास्थ्य भी अच्छा हो। निरोग जीवन जीना है तो खाने का तरीका बदले। आप लोग ये जानते हैं कि अत्यधिक खाना खाने से ना ही वजन बढ़ेगा और ना ही स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो खाना टाइम से खाइए। कम से कम एक खाने से दूसरे खाने के बीच में 8 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। माना कि आपके पास भागा दौड़ी जिंदगी में यह टाइम कम रहता है तो 5 घंटे से पहले भोजन ना कीजिए, उसके बीच में लिक्विड जितना ले सकते हैं लीजिए। खाना खाने के वक्त कोशिश कीजिए एक बाइट डालिए, कम से कम 24 बार मुंह में अच्छी तरह से हिलाइए। मुंह में संपूर्ण हिलाएंगे झुलाएंगे, जो लार्वा एंजाइम होता है मुंह में ही घुल जाया करेगा, खाना डाइजेस्ट होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर खाना डाइजेस्ट जल्दी होगा तो आपको सुस्ती नहीं आएगी। पेट से ढेरों प्रॉब्लम जैसे अनपच, गैस ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, खट्टी डकार आना, ऐसी समस्या लगभग 80% मनुष्यों में देखी जाती है। जो दिनचर्या बदल लेते हैं, जो नियमित रूप से उठते हैं, उठते जागते, हमारा जीवन ही एक योग है। योग के साधन से अगर हम लोग जीवन जिएंगे तो जीवन अमृत बन जाएगा, अन्यथा यह जीवन नरक से कम नहीं लगता। जब तक इंसान स्वस्थ रहता है तब तक कमाता रहता है और कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य ही भूल जाता है। कम से कम आप खाने के टाइम में आधा घंटा खाने को दीजिए। कमाते किस लिए हो? खाने के लिए। अगर ढंग से खाना ही नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे? जो संपूर्ण जीवन आप धन इकट्ठा करते हैं कि बुढ़ापे में बैठकर आराम से बैठ के भोजन किया करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में इतनी बीमारियां आ जाती हैं, वह सारा पैसा हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर में खत्म हो जाता है। सारा जीवन जो पैसा बचाया वह किस काम आया? आपके काम तो आ ना सका, दुनिया वालों के भी ना काम आ सकेगा। तो ऐसे धन की क्या आवश्यकता है आपको जो आपके उपयोग में ना आ सके? सारी जिंदगी आप धन के पीछे भागते हैं, अंतकाल में वही धन लुटाते हैं कि सेहत प्राप्त हो जाए। अगर जीवन में खाने का नियम बदलें, खाना दिन में 3 बार ही खाएं, अत्यधिक ना खाएं, और हफ्ते में कम से कम, नहीं ज्यादा तो 1 दिन उपवास रखें। 1 दिन नहीं रख सकते तो नियम बनाएं, कभी सुबह का उपवास करें, कभी दोपहर का, कभी रात का। 3 पहर का नाश्ता जो है, 3 पहर का जो खाना है आपका, वो एक एक करके भी आप उपवास करके अगर आप अपने पेट को छुट्टी देंगे तभी तो वह उत्पादन अच्छा करेगा। जब आप छुट्टी करते हैं तो आप खिल उठते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके पेट को भी आराम मिलेगा तो वह अत्यधिक काम करेगा। आप लोगों ने जीवन में यह देखा होगा कि भगवान ने दांत जो हमारे हैं वह 32 क्यों बनाए? 15 भी बना सकते थे, 10 भी बना सकते थे, लेकिन 32 दांतों का बनाने का अर्थ है संपूर्ण खाना
जो मुंह में पच जाएगा वह पेट में जाके अमृत का काम करेगा, अन्यथा रोगों को उत्पन्न करेगा। यह आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने पेट को किस तरह से रखना चाहते हैं, अपने भोजन से अमृत प्राप्त करेंगे या विष, यह आपकी मर्जी है।